ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु परम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। 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 Om Gum Guru Bhyo Namah. Om Gum Guru Bhyo Namah. Ritya Guru Shukracharya, आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? प्रकट क्यों नहीं होते? Ritya Guru Shukracharya प्रकट हो। 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 पुत्र मेघनाथ, अक्षय, बंद करो उन्हें पुकारना। गुरु शुक्राचार्य या तो गहरी निद्रा में सो गए हैं या उन्होंने यहां न आने का निश्चय कर लिया है। स्वामी, इस तरह यज्ञ छोड़कर उठना अच्छा नहीं होता। हमें उपदेश ना दो मंदोदरी। उन्होंने हमारे आह्वान पर प्रकट न होकर हमारा घोर अपमान किया है। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति पर अभिमान हो गया है। दैत्य गुरु हमारे पर सुनिए। दैत्य गुरु हम पर प्रसन्न हो। ये दैत्य गुरु हम पर प्रसन्न हो। ये दैत्य गुरु मेघनाथ, अक्षय, जो हमने कहा वो तुमने सुना नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सुनने की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। वो अब प्रकट नहीं होंगे। संकेश प्रणाम। गुरुदेव, हमारी श्रवण शक्ति नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। लंकेश, गुरुओं के विरुद्ध अपशब्द कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्या आपने हमारी पुकार ना सुनने का हठ ठान लिया था? अब भी हम तुम्हारी पुकार सुनकर नहीं, तुम्हारे इन अबोध पालकों की श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना को सुनकर चले आए। हाँ मंजू, तुम्हारे इन अबोध पालकों ने जब हमारी प्रसन्नता के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की तो हम एक क्षण का विलंब किए बिना ही चले आए। हम इन दोनों बालकों पर परम प्रसन्न है मंजूरी। हम इन्हें ऐसा वरदान देंगे जैसा आज तक किसी ने नहीं दिया हो। कैसा वरदान गुरुदेव? रावण, इस समय तुम रक्ष संस्कृति के अकेले रक्षक हो। इस महान संस्कृति के गौरव व सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हें अपने ही समान और भी महान योद्धाओं की आवश्यकता है। गुरुदेव, मेरे समान महान बलशाली भला और कौन हो सकता है? तुम्हारा हृदय अभिमान से भरा है रावण, इसीलिए तुमने हमें प्रकट होने का आदेश दिया, प्रसन्न होने की प्रार्थना नहीं की। गुरुदेव, क्या आप इसीलिए प्रकट नहीं हुए? हम किसी का आदेश स्वीकार नहीं करते रावण। हमारा काम है आदेश देना, मार्गदर्शन करना और दैत्यों को शक्तिशाली बनाना। इसीलिए हम तुम्हारे ही समान महान और बलशाली ऐसे राक्षसों को तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहे हैं जिनसे तुम्हारे अभिमान को ठेस नहीं पहुंचे, जिनसे तुम्हें ईर्ष्या न हो, जो तुम्हारे अपने हो। तो गुरुदेव, वो महान बलशाली राक्षस है कौन, बताइए गुरुदेव। क्या तुम जानते हो रावण, सभी राक्षसों को ब्रह्मा का यह वरदान प्राप्त है कि जन्म लेने के साथ ही वे चाहे तो बालक से पूर्ण वयस्क बन सकते हैं। पूर्ण वयस्क? हाँ मंजू, तुम्हारे पति रावण की माता केतसी की इच्छा अनुसार जन्म लेते ही 8 वर्ष के बालक हो गए थे। हाँ गुरुदेव, ये सत्य है। रावण, उसी शक्ति से हम तुम्हारे इन दोनों अबोध बालकों को अपनी मंत्र शक्ति द्वारा पूर्ण वयस्क बना सकते हैं। मेघनाद और अक्षय, अपने पिता के समान पूर्ण वयस्क बन जाओ। रक्ष 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 सह पूर्ण पुरुष रक्ष सह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवा वशिष्यते। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिता लंकेश्वर। आयुष्मान भव। मेरे पुत्रों, आज तो मैं अपने पिता के समान बलशाली बन गए हूँ। हमने कहा था ना मंदोदरी, क्या आज कोई चमत्कार होगा? पिता श्री लंकेश, आज्ञा कीजिए कि हमें किस शत्रु का सर्वनाश करना है। हम राक्षसों के शत्रुओं को कुचल कर रख देंगे। तुम्हारा आवाहन सफल हुआ रावण, अब हम प्रस्थान करेंगे, सभी का कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। मैं आपसे भेंट करने के लिए स्वर्ग लोग आने ही वाला था कि आप टकरा गए। कहाँ जा रहे हैं आप? और आपकी धर्म पत्नी स्वर्ग साम्राज्ञी शची देवी कहाँ है? वे तो इस समय स्वर्ग लोक में ही हैं। कोई आज्ञा देवर्षि? तो फिर आप अकेले इस तरह नक्षत्र लोक में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? कहीं किसी पृथ्वी की सुंदरी ने आपका मन तो नहीं मोह लिया? नहीं नहीं देवर्षि, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि पवनदेव ने मुझसे कहा था कि रावण अपने दो पुत्रों के साथ सर्वेष्टि यज्ञ करने वाला है। मैं तो ये देखने आया था कि उसका यज्ञ सफल तो नहीं हो गया, कहीं वो स्वर्ग पर आक्रमण करने की तो नहीं सोच रहा है। हाँ 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 हाँ, रावण की वो सर्वेष्टि यज्ञ वाली बात मैंने ही पवनदेव को बताई थी और उन्होंने आपको बता दी। क्या ये सत्य है देवर्षि? क्या रावण सचमुच ही स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता है? नारायण नारायण, अब तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने रावण के दोनों पुत्रों को भी युवा और शक्तिशाली बना दिया है। वे दोनों भी रावण के समान भयानक है, इसीलिए अब आप सावधान हो जाइए। परंतु देवर्षि, पूरी बात तो बताइए। पूरी बात तो मैंने बता दी देवराज, अब शेष क्या रह गया है? नारायण नारायण। अब तो स्वर्ग की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। राक्षस वीरो, हमें आश्चर्य है कि आपने हमारे साथ आने वाले हमारे दो महान बलशाली पुत्रों की अवहेलना की। तुम्हारे? ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं रावण? नाना श्री, क्या आप इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं? परंतु वे दोनों तो अभी बालक हैं। नाना श्री, ये तो आप जानते ही हैं कि राक्षस पुत्र जब बालक होते हैं तब उनका बल सामान्य मनुष्य पुत्रों से 100 गुना अधिक होता है, और जब वे वरदान पाकर बालक से युवा बन जाते हैं तब उनका बल 1000 गुना हो जाता है। मेघनाथ, अक्षय कुमार, प्रणाम करो हमारे नाना सुमाली को। ये तुम्हारे माता मैं है, महा माता मैं। प्रणाम। तुम्हारी कीर्ति मेघनाथ के समान गूंजे और तुम्हारा बल अक्षय रहे। परंतु रावण, हम ये बात समझने में असमर्थ हैं कि ये बालक अचानक युवा कैसे हो गए। नाना श्री, आपको तो ये पता होना चाहिए कि हम राक्षसों को ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त है कि वे अपनी और अपने माता पिता की इच्छा से जन्म लेते ही पूर्ण पुरुष बन सकते हैं। हमारी माता केकसी ने हमारा बालक रूप देखना चाहा, इसलिए हम जन्म लेते ही 8 वर्ष के हो गए। परंतु तुमने ये नहीं चाहा कि तुम्हारे पुत्र अक्षय और मेघनाथ
पूर्ण पुरुष बन सके। क्यों लंगापति रावण? नारद मुनि, आप यहाँ क्या करने आए हैं? नारायण नारायण, यदि प्रणाम और स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम दो मीठे बोल तो बोलो। एक अतिथि से ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते। आप हमारे अतिथि नहीं हो सकते, आप हमारे शत्रु विष्णु और उसके साथी देवताओं के शुभ चिंतक हैं। आपको यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? रावण, लंका हो या पाताल लोक, स्वर्ग हो या नर्क, हमें कहीं आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। हमें जब भी किसी का भला करना होता है हम वहाँ पहुँच ही जाते हैं। अर्थात आप हमारा भला करने आए? अब राक्षस भले ही मुझे अपना शत्रु मानते हो, मैं राक्षसों को अपना शत्रु नहीं मानता सोमाली जी। अब बातें मत बनाइए, बताइए आप हमारा कौन सा भला करना चाहते हैं? तो यही है तुम्हारे दो बलशाली चमत्कारी पुत्र अक्षय और मेघनाथ, जिनकी सहायता से तुम स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हो। अर्थात आपको हमारी योजना का पता चल चुका है। नारायण की कृपा से योजना का पता नारद को योजना करने वाले के मन में आते ही पता चल जाता है। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। तो आप हमसे ये कहने आए हैं कि हम स्वर्ग पर आक्रमण ना करें, क्योंकि इंद्रराज और देवता हमें पछाड़ देंगे? नारायण नारायण, अपने ही मुंह से अपनी भविष्यवाणी करना शुभ नहीं होता रावण। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। नारद, हमारा भाग्य कोई नहीं लिख सकता, रावण अपना भाग्य स्वयं लिखता है। बहुत हो चुका ये उपदेश, अब चले जाइए यहाँ से। नारायण नारायण, आना और विदा लेना यही तो दो मुख्य कार्य है नारद के। अच्छा तो मैं चला। लंकेश्वर, इस मुंह पर नारद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये जब भी आता है कोई न कोई समस्या खड़ी करके जाता है। नाना श्री, आप नारद की बातों में ना आइए। नारद हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने से सावधान करने आया था। नाना श्री, रावण एक बार जो निर्णय कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता, और अब तो हमारे पास हमारे दो वीर पुत्र हैं। राक्षस वीरों, स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी की जाए। यदि इस बार स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं किया तो हमारा नाम रावण नहीं। हम आप सब वानर वीरों के आभारी हैं। ढूंढसुंदर, आपने बाली की विशाल सेना की शक्ति को कम करके हमारे उत्साह को बढ़ाया है। इसका श्रेय हमें नहीं, आपके सखा वीर हनुमान को है। यदि वीर हनुमान आपके साथ ना होते तो वानर राज बाली के भय से कोई भी वानर वीर आपके पास भी ना आता। यह तो सत्य है गुणसुंदर, हनुमान के बिना हम कुछ ना कर पाते। हनुमान तो हमारे लिए भगवान के वरदान के समान है। नहीं सुग्रीव, नहीं, ऐसा कहकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। हम अपने में और आपके इन वानर वीरों में कोई भेद नहीं समझते। हम भी आपकी सेना के वानर वीरों की तरह एक साधारण से वानर हैं। तुम भेद समझो या न समझो, हम तो भेद समझते हैं। अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, सूर्य शिष्य, रुद्रावतार हनुमान साधारण वानर नहीं हो सकते। मैं समझ गया, आप मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहते हैं। क्यों, मैं सत्य कह रहा हूं ना जामवंत जी? हाँ हनुमान, इस समय तुम्हें एक महान कार्य करना है। प्रणाम पालक पिता पवन जी। आयुष्मान भव हनुमान। कहिए पवन जी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? राक्षस राज रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वो किसी भी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर सकता है। स्वर्ग पर आक्रमण? विश्व विजय के बाद रावण की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सुना है कि वो स्वर्ग विजय की नई शक्ति प्राप्त कर चुका है। इसीलिए हमारी चिंता बढ़ती जा रही है।
रावण की राक्षसी शक्ति को हनुमान की दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। आप चिंता न करें पवन देव, मैं आपकी अपेक्षाएं अवश्य पूरी करूंगा। आप केवल मुझे रावण के आगमन की पूर्व सूचना दीजिए, मैं रावण की राक्षसी सेना को स्वर्ग लोक के द्वार में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। वो किसी भी क्षण आक्रमण कर सकता है हनुमान, वो अपनी वरदानी शक्ति से अपनी सेना को आकाश में पहुंचा देगा और स्वयं स्वर्ग पर टूट पड़ेगा। और अब तो उसके दोनों पुत्र मेघनाथ और अक्षय भी उसके साथ हैं। रावण के पुत्र? हाँ सुग्रीव। रावण के पुत्र तो क्या, उसके पुरखे भी उसके साथ रहे तो भी उनका मुंहतोड़ उत्तर दिया जाएगा। आप चिंता न करें पवन देव। धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। बोलो पवन सुत हनुमान की, वीर हनुमान की। यदि बोलना ही है तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सेनापति, क्या युद्ध की तैयारी हो चुकी है? हाँ लंकापति, स्वर्ग पर आक्रमण करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वीर राक्षस सेना देवताओं को कुचल देने के लिए प्रस्तुत हैं। हम भी इंद्र और उसके साथी देवता और हमारे शत्रु कुबेर को बंदी बनाने के लिए तैयार हैं। नानाश्री, क्या आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आपको भी विष्णु और उसके साथी देवताओं से पुराना प्रतिशोध जो लेना है। लंकेश, हमारा विचार है कि स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए ये समय उचित नहीं है। नानाश्री, आप फिर कायरों की भाषा बोलने लगे हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के बदले हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। देवताओं की शक्ति को कम न समझो रावण, स्वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए सर्व शक्तियों के साथ हैं। नानाश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी हमसे यही कहा था कि स्वर्ग लोक पर आक्रमण मत कर और पाताल लोक में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। परंतु आप जानते हैं कि रावण एक बार जो निर्णय कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता। तनिक गहराई से सोचो रावण, उस नारद ने तुम्हें उकसा दिया और तुम देवताओं की सीमा पर कूद पड़ने के लिए उतावले उठे। बस बस नानाश्री, हमें आपका उपदेश नहीं सुनना है। यदि आप हमारा साथ देना नहीं चाहते तो मत दीजिए, परंतु हमें आपके विरुद्ध बोलने के लिए उत्तेजित मत कीजिए। राक्षस वीरों, चल पड़ो स्वर्ग लोक की ओर। हम अपनी मायावी शक्ति से तुम्हें उसकी सीमाओं तक ले जाएंगे। पद्मपति रावण की जय, 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 पद्मपति रावण की। वो देखिए रावण की, रावण की। अच्छा रावण, तो तू अपने नाना और दोनों पुत्रों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो वीर हनुमान की, वीर हनुमान की, लंकेश्वर रावण की, लंकेश्वर रावण की। अब हम अपनी शक्ति द्वारा आकाश मार्ग से तुम्हें स्वर्ग लोक की ओर ले जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। स्वर्ग पर आक्रमण करने से पहले तुझे धरती पर हनुमान से निपटना पड़ेगा। हनुमान विदाश्री, इस वानर को मैं अभी धूल चटा देता हूं। जय श्री राम,
वानर। नमस्कार हनुमान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रावण वहीं रुक जाओ, यदि और अपमानित होना नहीं चाहते तो आगे मत बढ़ो। कौन है तू, सामने आ। हम ब्रह्मदेव है रावण। ब्रह्मदेव आप? हाँ रावण, तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम वापस लंका लौट जाओ। रुद्रावतार हनुमान अपराजित है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे अजर अमर हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हम तुम्हें परामर्श देते हैं कि तुम वापस लौट जाओ। लौट जाओ रावण, लौट जाओ। ब्रह्मदेव, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। महाबली हनुमान, आपने देवताओं से प्राप्त वरदानों का सही उपयोग करके शक्तिशाली रावण का विमान चूर चूर कर दिया। हम सब आपके कृतज्ञ हैं। वत्स हनुमान, इंद्रदेव और सब देवगण तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हें धन्यवाद कहने आए हैं। बालक पिता पवनदेव, आपने आदेश दिया और मैंने उसका पालन किया, इसमें धन्यवाद कैसा? यह तो मेरा कर्तव्य था। ये तुम्हारी महानता है हनुमान। यदि तुम हमारी सहायता को ना आते तो राक्षसी शक्ति का उपयोग करके रावण अवश्य ही स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लेता। हनुमान के होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता देवराज। शिव के रुद्रावतार हनुमान विष्णु के आराधक देवताओं के लिए सदा सहायक बने रहेंगे। क्यों वानर राज सुग्रीव? आप सत्य कह रहे हैं जामवंत जी। हनुमान, ऐसा लगता है कि वीर वानरों का समूह तुम्हें बधाई देने आया है। चलो चलकर उनकी बधाई स्वीकार करो। देवराज, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग लोक लौट जाइए। रावण और उसके पुत्रों का साहस इस पराजय से क्षीण हो चुका है। अब वे स्वर्ग लोक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तुम धन्य हो हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान। वीरों, मैं आप लोगों की जय जयकार का नहीं प्रेम का भूखा हूं। आप सभी लोगों ने यहां आकर मेरा ही नहीं संपूर्ण वानर जाति का गौरव बढ़ाया है। केसरी नंदन वीर हनुमान, हम सारे वानर वीर रावण विजय पर आपको सम्मानित करने आए हैं। मेरा सम्मान मेरे सखा सुग्रीव का सम्मान है। अब आप सभी वानर वीर वानर राज सुग्रीव की वानर सेना के अंग बन चुके हैं। वानर वीरों, हनुमान के नेतृत्व में हमारी वानर सेना की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी हमें बहुत प्रसन्नता है। गुणसुंदर वानर राज, हम सब शीघ्र ही आपको किष्कंधा के राज सिंहासन पर बैठे देखना चाहते हैं।
वो दिन अब दूर नहीं है वानर वीरों, आप सब निश्चिंत रहें। वीर गुणसुंदर, वानर वीरों को सुग्रीव सेना के ध्वज के नीचे एकत्रित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बोलो वानर वीर गुणसुंदर की जय, वीर गुणसुंदर की जय, वीर गुणसुंदर की जय, वीर गुणसुंदर की जय। सीते, तुम लीजिए फलाहार कीजिए। मैं अकेले फलाहार कैसे कर सकता हूँ सीते? तुम जानती हो तुम्हें और लक्ष्मण को खिलाकर ही मैं हार करूंगा। इस नियम से तुम कैसे अनजान हो गई? लक्ष्मण भैया तो सवेरे से वन में राक्षसों का पता लगाने गए हैं, अभी तक लौटे ही नहीं। सूरज सिर पर चढ़ाया है, कहीं उनकी किसी राक्षस से भिड़न तो नहीं हो गई? राक्षसों से लड़ने भिड़ने का अभ्यास हम दोनों भाइयों को गुरु विश्वामित्र के साथ रहकर हो गया है। तुम्हें इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैंने अयोध्या में प्रवेश करते ही एक प्रश्न पूछा था आपसे, आपने उस समय मुझे उसका उत्तर नहीं दिया था। उस प्रश्न का स्मरण है मुझे। तुम मुझसे पूछना चाहती थी कि संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है? हाँ हाँ प्रभु, अब दीजिए ना उस प्रश्न का उत्तर। अभी वो समय नहीं आया है सीते, मैं इस समय उसी का स्मरण कर रहा था। हमारे साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारा विद्रोही कुल सुंदर सुग्रीव विध्वस्त तले वानर सेना एकत्र कर रहा है। हनुमान सुग्रीव के सेना का नायक है, यही बताना चाहते हो ना तुम? आपने जो कहा वो सत्य है वानर राज। हमें कोई नया समाचार सुनाओ, ये बात तो हम कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। तो तुमने उस गुप्त स्थान का पता लगाया जहाँ तारा राजकुमार अंग चुप कर बैठे है? कि तुमने उस बात का पता लगाया यह दृश्य रूप में आकर हनुमान रूमा को कहां ले गया? बताओ। नहीं वानर राज, हमने ऋषिमुख पर्वत का कोना कोना छान मारा परंतु हमें उनका कहीं पता न चला। तुम सब कायर हो गए हो, हनुमान के भय से किष्किंधा में दुबक कर बैठ गए तुम सब। तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने ऋषिमुख पर्वत के कंदराओं में रूमा तारा की खोज की। नहीं वानर राज, मैं सत्य कह रहा हूँ, हमने दोनों महारानियों की बहुत खोज की परंतु। बाली के सामने झूठे बहाने न बनाओ, बाली के सामने जो झूठ बोलता है बाली उसे जीवित तो ही छोड़ता। नहीं नहीं किष्किंधापति, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे न मारिए किष्किंधापति, मुझे मत मारिए। हनुमान हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है, इसे निकालने के लिए कूटनीति से काम लेना होगा, बल से नहीं। आओ वीर बाबू। तुम समझ गए ना वीर बाबू? समझ गया हमारा राज। तुम्हें यह संदेश हनुमान को पूर्ण विश्वास के साथ देना है कि उसके माता पिता उसे मिलने के लिए व्याकुल हैं और उसे मिलने के लिए बुलाया है। मानव राज, यदि हनुमान ने मुझसे पूछा कि तुम हमारे माता पिता को साथ क्यों नहीं लाए तो मैं उनसे क्या कहूंगा? उसे कहना कि वे बहुत थक गए थे इसलिए पर्वत पर न चढ़ सके, और उसे ये बताना कि तुम केसरी और अंजना के सेवक हो। हाँ, भूल से भी उसे ये मत बताना कि तुम बाली के वानर हो। नहीं बताऊंगा वानर राज। ठीक है, हम यही छुपकर तुम दोनों की प्रतीक्षा करेंगे। जाओ, शीघ्र जाओ। जा रहा हूँ वानर राज। और सुनो, यदि तुम सुग्रीव के पक्षपाती हनुमान के साथ ना लौटे
तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और यदि तुमने डर कर भागने का प्रयास किया तो बाली के हाथों मसल दिए जाओगे। मैं वापस अवश्य लौटूंगा वानर राज, मैं हनुमान को लेकर लौटूंगा। हनुमान, अब मैं तुम्हारी वरदानी शक्तियों को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरते हो, इसलिए अदृश्य होकर रूमा को मुझसे छीना, और फिर मेरे सामने आते ही तुम्हारा आधा बल तो क्षीण हो जाएगा। आओ हनुमान, शीघ्र आओ, तुम्हें मारने के लिए मेरे हाथ चटपटा रहे हैं। नारायण नारायण, धन्य हो किष्किंधा पति वानर राज बाली, धन्य हो। देवर्षि आप यहाँ? और नहीं तो तुमसे मिलने कहाँ जाता बाली, क्योंकि तुम अधिक समय तक अपनी राज्यसभा में ठहरते नहीं। वहाँ का सूनापन तुम्हारे मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। क्या आप हमारी राज्यसभा में गए थे नारद मुनि? वहाँ जाने की ना मेरी इच्छा है ना आवश्यकता। जिस राज्यसभा में मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ छोड़कर गया था, वहाँ जब सुग्रीव ही नहीं तो मैं भला वहाँ जाकर क्या करूँगा। उस दुष्ट का नाम मत लीजिए मेरे सामने। मैं उसी का नाम लेने के लिए ही तो यहाँ प्रकट हुआ हूँ बाली। मैं तुमसे अब भी कहता हूँ कि सुग्रीव तुम्हारा सगा भाई है, शत्रु नहीं। उसे अपना लो और दोनों भाई एक बार फिर किष्किंधा के राज सिंहासन पर पहले की तरह एक साथ विराजमान हो जाओ। यह असंभव है नारद मुनि। जब तक मैं सुग्रीव को अपने हाथों से मसल नहीं दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम उसे मसल नहीं सकते बाली, क्योंकि उसके रक्षक वीर हनुमान वरदानी बजरंग बली है। यदि तुमने अपना ये बैर भाव नष्ट नहीं किया तो तुम अवश्य नष्ट हो जाओगे और सुग्रीव का बाल भी बाका नहीं होगा। मेरी क्रोध की ज्वाला को और ना भड़काइए, अन्यथा मैं क्या करोगे तुम झंझलाने और छटपटाने के सिवा, क्योंकि तुम समझते हो कि सारे संसार में तुम्हारे समान बलशाली और कोई नहीं, क्योंकि तुमने बलशाली राक्षसों दुंदुभी और मायावी का संहार कर दिया, क्योंकि तुमने महाबली रावण को अपनी कांख में दबाकर उसका गर्भहरण कर दिया। बताइए देवर्षि, बताइए मेरे समान महाबली और कौन है इस संसार में। जिस रावण से देवता भी कांपते हैं, वो रावण मुझसे मित्रता करने के लिए विवश हो गया। रावण का गला दबाकर तुमने उसे मित्रता करने पर विवश तो कर दिया, परंतु उसके मन में पलती शत्रुता को तुम समाप्त नहीं कर सके, इसलिए उसने मंदोदरी के दो भाई दुंदुभी और मायावी को तुम्हारे पास भेजा था तुम्हें समाप्त करने के लिए। और उन दोनों को मैंने यमलोक पहुंचा दिया। ठीक उसी तरह सुग्रीव को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। और है, और उसके सहायक हनुमान को भी समाप्त करने के सपने देख रहे हो तुम है? बाली, एक बात ध्यान से सुन लो। अग्नि भस्म करना छोड़ सकती है, जल अग्नि उगल सकता है, सूर्य देव पूर्व के जगह पश्चिम से उदय हो सकते हैं, परंतु हनुमान को समाप्त करने वाली शक्ति इस संसार में ना पैदा हुई है ना होगी। उनसे बैर लेकर तुम अपने आप को मृत्यु के समीप पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। भरत मुनि, आपकी सारी चेतावनियां व्यर्थ है। अब बाण धनुष से निकल चुका है, किसी भी क्षण हनुमान यहाँ आएगा और मुझे देखते ही उसका आधा बल छीन हो जाएगा, और फिर मैं उसे कुचल मसल के निर्जीव बना के फेंक दूंगा। नारायण नारायण, जब तुम्हारा काल ही तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है, जब तुम्हारी बुद्धि ने ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो कोई क्या करे बाली। मैं तो नारायण से यही प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें सद्बुद्धि दे। अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो बाली। नारायण नारायण। वीर हनुमान, बजरंग बली, कहाँ हो तुम? कौन है भाई हमारे हनुमान को पुकारने वाला? मैं वीर बबू हूँ। वीर बबू, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं किसी कंधा में नहीं रहता वानर राज, मैं सुमेरु से आया हूँ।
मैं वानर राज केसरी और माता अंजना के साथ आया हूँ। तुम महाराज केसरी और माता अंजना के साथ यहाँ आए हो? हम उनके दर्शन करके उन्हें आदर सहित यहाँ ले आएंगे। कहाँ है वे? तुम उन्हें यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? वे बहुत थक गए हैं, पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो हनुमान, वीर हनुमान, बाहर आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। सखा सुग्रीव, कौन आया है? मैं आया हूँ वीर बजरंगबली। क्या शुभ समाचार लाए हो? हनुमान, शुभ समाचार तो इसने सुना भी दिया। तुम्हारे पूज्य माता पिता तुमसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ हनुमान। अरे उन्होंने क्यों कष्ट किया, संदेश भेजकर मुझे बुला लिया होता। जब आ ही गए हैं तो फिर ये प्रश्न क्यों करते हो अंजनी सुत केसरी नंदन हनुमान? चलो हम सब चलकर उनका स्वागत करें। नहीं नहीं हनुमान, उन्होंने अकेले हनुमान को बुलाया है, आप सबको नहीं। मुझे अकेले को बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ये सब मित्र भी तो उनके लिए पुत्र के समान ही हैं। वे सबके माता पिता तुल्य हैं। आइए हम सब मिलकर साथ चलते हैं। हनुमान, जब तुम्हें अकेले ही बुलाया है तो तुम चले जाओ और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। नहीं सका सुग्रीव, मेरे माता पिता इतने स्वार्थी हो ही नहीं सकते। उनके लिए तो हम सब उनके पुत्रों के समान हैं। मेरी बात पे विश्वास करिए हनुमान, मैं असत्य नहीं कहूंगा। आप अकेले मेरे साथ चलें। अरे भाई इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अकेला ही चलूंगा। सखा सुग्रीव, जामन जी, मैं इनके साथ जाता हूँ और अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाता हूँ, फिर हम सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे। हाँ हनुमान, उन्हें शीघ्र यहाँ ले आओ। चलो भाई।